हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वन होंडियाल। माई लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, एंड टूडे टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में। ओके, क्योंकि वाई इज फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस नेसेसरी टूडे लाइफ। आज फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में? तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस बोथ आर नेसेसरी फॉर हेल्थी एंड वेल बैलेंस लाइफ। अगर हम लोग हमारा फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अच्छा होगा तो आज क्या हम एक हेल्थी और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। ओके, तो एवरीवन वांट टू स्टे फिट, बट टुडे द बिगेस्ट चैलेंज चेंजिंग लाइफ स्टाइल इन टू कीप यूर सेल्फ फिट। ओके, आज सबसे बड़े चैलेंज क्या है प्रत्येक व्यक्ति के लिए? फिजिकल फिटनेस चाहता है, मतलब ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में क्या है, सब फिजिकल फिटनेस चाहता है। बट आज की हेल्थी लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि खुद को फिट कैसे रखे, हाउ विल फिट। ओके, बिकॉज टूडे लाइफ इज वेरी बिजी सो मच डेट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम फॉर यूर सेल्फ, बिकॉज द वर्क ऑफ ऑफिस होम एंड फैमिली इज सो मच डेट वी डू नॉट गेट टाइम फॉर अवर सेल्फ। देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन फिटनेस एंड हेल्थ। ओके, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत बिजी है, ठीक है, इतना कि खुद के लिए मतलब हमें क्या टाइम निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में, घर में, फैमिली में काम ही इतने हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसका हमारी फिटनेस और हेल्थ और फिटनेस पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बीइंग बिजी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू जिम एंड एनी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब इतना हम लोग इतने लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कहीं जिम जाने या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर पाते हैं। ओके, टूडे इज ए पर्सन हु इज फिट बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग इनफ टू फेस द अप एंड डाउन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, मतलब जो पर्सन क्या है, जो फिजिकली और मेंटली रूप से फिट है, ठीक है, वो क्या है, वो लाइफ के मतलब अप एंड डाउन जो प्रॉब्लम आती है उसका सामना अच्छी तरह से कर सकता है मजबूती के साथ, अगर वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है और फिट है तो, ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो अच्छी तरह से फेस कर सकता है। ओके, दैट मींस ए पर्सन हु इज फिजिकली फिट ही कैन डू एवरी टास्क, ठीक है, इजिली विदाउट फटिक। अगर जो पर्सन फिजिकल फिट है वो हर कोई काम मतलब कोई भी अगर उसका तो इजिली कर सकता है, ठीक है, और विदाउट फटिक, बिना थकान के। तो मेनी पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन डेट फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। ओके, बहुत कुछ जो कुछ लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है केवल एक स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ियों के लिए ही मतलब उसके लिए नीड होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वो यू टेक पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड गेम्स, ठीक है, वो सोचते हैं कि स्पोर्ट्स है, फिजिकल कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इन्हीं के लिए नीड है, पर ऐसा नहीं है, बट इट इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए नॉर्मल पर्सन एज फॉर ए प्लेयर। ओके, पर ये क्या है, गलत है, क्योंकि फिजिकल जो फिटनेस होती है वो सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट डेली लाइफ एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग वेट, ठीक है। योर फिजिकल फिटनेस ऑल्सो इम्प्रूव पोस्चर एंड अपीयरेंस। ओके, तो फिजिकल फिटनेस की जो आवश्यकता होती है ये हमें कहाँ होती है, हमें डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप देखने को मिलता है कि हम लोग जैसे दौड़ते खेलते समय हो गया, या फिर उठते समय, बैठते समय, ये वेट उठाते समय, ये भार को, वेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की इसकी डेली लाइफ में हमें नीड पड़ती रहती है, ठीक है। और इससे जो अगर हम लोग फिजिकल फिटनेस हो तो हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है ना वो भी सही होता है, ठीक है, और अपीयरेंस मतलब जो हमारी जीवन शैली लाइफ स्टाइल है उसको भी ये प्रभावित करती है, कौन, हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस। ओके, तो रिसर्च स्टडी इंडिकेट डेट चिल्ड्रन वी एस्टेब्लिश फिजिकल फिटनेस इज अर्ली लाइफ आर लाइकली इज रिमेन एक्टिव इन फ्यूचर, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस के मतलब रिसर्च किया गया है कि जो बच्चे फिजिकल फिटनेस जल्दी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, उनका फ्यूचर क्या अच्छा होता है, मतलब वो फ्यूचर में भी उनका बेटर रहता है, ठीक है, मतलब वो उनका फ्यूचर अच्छा रहता है, वो किसी चीज में भी थकते नहीं है और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं आगे जाके, ठीक है, लाइफ में। सो चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स इन अदर फिजिकल एक्टिविटी सो दैट दे मेनी इम्प्रूव एंड मेंटेन दियर फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू आउट दियर लाइफ।
इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए हम लोग को, इसलिए बच्चों को खेलकूद और अन्य जो भी फिजिकल जो पार्टी एक्टिविटी होती है उस पर टेक पार्टिसिपेट, उन्हें पार्टिसिपेट उनको भाग लेने का मतलब उनको भाग लेना चाहिए स्वतंत्र रूप से, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे वे तो, ठीक है, ताकि क्या वो ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अच्छी रहे और उनके मतलब वृद्धि और विकास हो अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज हमें खेल के लिए मतलब आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि किसकी खेल फुटबॉल खेल के मैदान की आवश्यकता है, ठीक है। तो टूडे वी डू नॉट नीड भगवत गीता बट फुटबॉल फील्ड, ओके। किसने कहा था ये? स्वामी विवेकानंद ने, कि आज हमें भगवत गीता की नहीं फुटबॉल की मैदान की आवश्यकता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस हेडिंग्स, ओके। तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंश्योरिंग ए हैप्पी एंड वेल बैलेंस्ड लाइफ। दीज आर फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इन पर्सन लाइफ कैन बी एक्सप्लेनेड इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस क्या है? एक खुशहाल और संतुलित मतलब जीवन लाइफ सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति के भविष्य और विकास की नींव है, फाउंडेशन है, मतलब फिजिकल फिटनेस और वेलनेस किसी व्यक्ति के नींव है, ठीक है। और क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन की फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के महत्व को हम निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है, नीचे दे रखे हैं आपको। फर्स्ट इज टोटल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड, ओके। तो द टोटल आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। वन इज एबल टू परफॉर्म मोर वर्क मे इट बी मेंटल एंड फिजिकली। वन एक्सट्रेशन और फटिक इज डेवलप्ड एंड देयरफॉर वन कैन परफॉर्म द वर्क ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। वन रिकवरी फ्रॉम फटिक इज वेरी फास्ट, ओके। तो मतलब एफिशिएंसी क्या हुआ? जो काम करने की एफिशिएंसी होती है, मतलब वो फिजिकल फिटनेस और व्यक्ति अगर ठीक है तो उसकी एफिशिएंसी होती है काम करने की, वो क्या होता है उसमें इम्प्रूव होता है, ठीक है। मोर वर्क विदाउट लेस फटिक, जिससे वो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाएगा विदाउट फटिक के, ठीक है, थकान के मतलब काम करने की जो शक्ति बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। और व्यक्ति अधिक समय तक काम करने में मतलब कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, जब वो फिजिकली और मेंटली रूप से, ओके। मीन्स द पर्सन टू वर्क इंक्रीज एंड द पर्सन इज एबल टू वर्क लॉन्गर टाइम फिजिकली एंड मेंटली, ही कैन डू बेटर वर्क इन कैपेबिलिटी टू अदर पर्सन, ठीक है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, अगर वो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस उसकी गुड है तो, ठीक है। तो इफ यू कंटिन्यू टू डू फिजिकल एक्टिविटी इन डेली टू डे लाइफ यूर कैपेबिलिटी विल बी इंक्रीज एंड यूर फटीग विल बी ऑल्सो डे बाई डे स्लो, ठीक है। अगर आप क्या डे टू डे लाइफ में फिजिकल फिटनेस करते रहेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी होगी इंक्रीज हो जाएगी और जो आपकी थकान होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, मतलब आपको थकान कम लगेगी, ठीक है। अपना आप क्या है, आपकी जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाएगी और जो आपकी थकान है थकान आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। आप कोई भी काम इजीली तरह से कर सकते हो। इफ यू हैव सो मच कंप्लीट टास्क, ठीक है, डेट एनी इमरजेंसी सिचुएशन हैज कम सो यू कुड फाइट द थिंग इजीली विथ एंड फिजिकली फिट, ठीक है, विदाउट फटीग के। अगर मतलब आपको कोई टास्क मिल गया, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी बची रहेगी कोई टास्क में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो आप उस कंडीशन को मतलब उसके अच्छी तरह से सिचुएशन का फाइट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट फटीग के। अगर ये हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अगर हमारी गुड है तो, ओके। नाउ सेकंड, बेटर क्वालिटीज ऑफ वर्क, ठीक है। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी टू डू वर्क इम्प्रूव एंड ही इज ऑल्सो वर्क बेटर देन अदर, हिज रिस्पॉन्स बिकम मोर एक्यूरेट देयर फॉर लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी डियर, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारा मतलब जो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूर वर्क टू डू एनी वर्क। इफ यू आर फिजिकली फिट दे यू फील फ्रॉम इनसाइड दैट आई एम कंप्लीटली, ठीक है, आई एम कंप्लीटली फिट एंड इट
इट विल टेक यू माइंड टू डू इजली वर्क इन स्टडीज और इन स्पोर्ट्स एंड इन जॉब, ठीक है, एंड यू वुड बी एबल टू डू बेटर जॉब देन अदर एंड यू आर इंश्योरिंग द लेस वेस्ट, ठीक है, मतलब आपको वर्क की जो क्वालिटी होगा उसमें इम्प्रूव होता है, काम करने की जो में होगा स्वाद उसमें क्या होगा इम्प्रूव होगा, किसी भी काम करने में अगर आप फिजिकली फिट है तो आपके अंदर से क्या होगा एक महसूस होगा, ठीक है, आई एम कंपेटेबल, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूं, और हर काम करने में आपको क्या लगेगा मन लगेगा, चाहे वो फिजिकली हो मेंटली हो, ठीक है, उसके अलावा चाहे आप पढ़ाई करने में हो या खेलकूद में हो या फिर जॉब में हो, आप और आप दूसरों की तुलना में बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है, मतलब दूसरों की तुलना में अच्छे काम कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, और आपकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी कम खर्च होगी, ठीक है, आप प्रॉपर थकोगे नहीं और जो आपकी एनर्जी होगी वही बची रहेगी, ठीक है। नाउ थर्ड, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस हेल्प अस टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली ग्रो एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू ऑप्टिमम लेवल एंड इन बैलेंस्ड, ठीक है, तो आपका क्या होगा मतलब अगर आप फिजिकली फिटनेस है तो फिजिकल फिटनेस हेल्प अस टू मेंटेन गुड शेप, ठीक है, तो गुड मतलब हेल्प इन गुड डेवलपमेंट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इट हेल्प बिल्ड हेल्थी बॉडी कंपटीशन स्ट्रांग बोन्स एंड मसल एंड मोटर स्किल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड थिंकिंग स्किल, ठीक है, अगर फिजिकल फिटनेस क्या है, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस हमें क्या करती है जो फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट करती है, ठीक है, जिससे कि हम क्या है जिससे हमारी जो लाइफ होती है वो बैलेंस रहती है, ठीक है, ये बैलेंस लाइफ रहती है, और क्या होती है गुड मेंटली मतलब फिजिकल जो फिजिकल फिटनेस और होती है हमारी लाइफ होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ क्या करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है प्रमोट करती है और बढ़ावा देती है एक हेल्थी बॉडी को, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर को और किस क्या करती है और एक हेल्थी बॉडी मतलब स्ट्रांग बोन्स और जो मसल्स होती है उसको स्ट्रांग आती है, ठीक है, और क्या करती है और जो स्किल होती है मोटर स्किल उसका डेवलपमेंट करती है, मोटर स्किल डेवलपमेंट के बाद जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन और थिंकिंग होती है उसमें भी मदद करती है बढ़ाती है इंक्रीज करती है, ठीक है। नाउ प्रो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर, ठीक है, मतलब थकान मतलब आराम का मतलब बेहतर प्रयोग करना, ठीक है, तो फ्री टाइम इज यूटिलाइज इन फ्रूटफुल वे एंड इट गिव गुड चांस ऑफ एक्सपेंस ऑफ हिडन, ठीक है, हिडन टैलेंट, मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर आप खाली समय का उपयोग सही तरीके से किया जाता है तो, ठीक है, अगर आप खाली समय बैठे हो उसका सही उपयोग किया जाता है तो किसी पर्सन मतलब कोई भी अगर टैलेंट है उसमें, ठीक है, तो उस टाइम वो अच्छा मौका है उसको अपना टैलेंट को दिखाने का अगर वो फ्री टाइम पे, ठीक है, तो स्टेइंग हेल्थी बाय मेकिंग बेटर यूज ऑफ योर लेजर टाइम, सम स्टडीज हैव इवन फाउंड दैट लेजर टाइम फिजिकली एक्टिविटी कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, ठीक है, अगर आप मतलब समय का बेहतर उपयोग करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी अगर खाली समय में अपने फिजिकल का के ऊपर टाइम देते हैं तो आप क्या होते हैं स्वस्थ रहने में सफल रहते हैं, ठीक है, आप स्वस्थ रह सकते हैं, और कुछ मतलब जो रिसर्च है उससे पता चला है कि मतलब आराम के समय अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे आपकी जो लाइफ है वो भी बढ़ा सकती है इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, अंडरस्टैंडिंग इन हाइजीन, हाइजीन तो यू नो वी लर्न टू मेंटेन हाइजीन नॉट ओनली पर्सनल लेवल बट ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन लेवल, वी ऑल्सो लर्न टू कीप एनवायरमेंट क्लीन एंड सेफ फॉर हेल्थी लिविंग, ठीक है, अब हम लोग इससे क्या होता है मतलब हाइजीन लर्न मतलब साफ सफाई आपको पता ही है कि हम ना केवल अपने पर्सनली स्तर पर बल्कि समुदाय के स्तर पर भी हमें क्या होना चाहिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब हाइजीन क्या कॉमर्शियली और मतलब पर्सनल और कॉमर्शियल दोनों तरफ होनी चाहिए, और हाइजीन क्या अगर हम हाइजीन अगर हमारा सही रहेगा तो प्रॉपर रहेगा तो हमारा जो एनवायरमेंट रहेगा वो भी क्लीन होगा, ठीक है, और उससे क्या होगा हम हेल्थी लिविंग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा एनवायरमेंट सही रहेगा तो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, अपना अपने आसपास क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, और साफ सफाई पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो द एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर पर्सनल हाइजीन इन वन ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, ठीक है, तो इसलिए क्या है जो अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता का व्यायाम हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक भाग में से एक है, डेली का रूटीन में से एक है, ठीक है, हाइजीन का पार्ट।
Now next है prevention from various diseases, मतलब बीमारियों से बचाओ. तो physical fitness and wellness prevent us from various diseases and illness. ठीक है, by improving our immune system we also avoid injuries, diseases or illness. ठीक है, तो विभिन्न रोगों से बचाओ. तो फिजिकल फिटनेस क्या, अगर हमारा क्या है, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है. ठीक है, और ये क्या करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसमें इम्प्रूव करता है. ठीक है, और उसके अलावा क्या करता है, जो हमारे इंजरी से भी बचाता है. ठीक है, रिस्क ऑफ इंजरी. अगर आप फिजिकली फिट है तो आपको आपकी बॉडी में क्या होगा, अंदर डिजीज बहुत कम आएगी. ठीक है, और आपको कोई भी जो बीमारी है कोई घेर नहीं पाएगी आपको. ठीक है, और आप क्या है, एक हेल्थी लाइफ जी सकते हो. ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर हम लोग फिजिकली फिट और वेलनेस हमारी गुड है तो इससे क्या होगा, हमारा फिजिकल फिटनेस अगर गुड है तो मतलब जितनी प्रकार की कोई भी बीमारी है, हम कोई बीमारी हमें कोई घेर नहीं सकती है. ठीक है, और हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं. तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन डिजीज. ठीक है, ए पर्सन इज फिजिकली फिट दे ही चांस ऑफ गेटिंग लेस डिजीज एंड इंजरी. ठीक है, इंजरी ऑल्सो. तो बिकॉज फिजिकल फिटनेस इंक्रीज इम्यूनो सिस्टम एंड लाइफ एक्सपेंसिव. ठीक है, अगर हमारी फिजिकल फिटनेस सही है तो हमें रिस्क ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन डिजीज के चांस बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है, और हमारी जो फिजिकल फिट होगा तो और हमारा क्या होगा, जो इम्यूनो सिस्टम होगा स्ट्रांग हो जाएगा. अगर हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें कोई भी बीमारी नहीं पड़ेगी, बीमारी हमारी बॉडी पे नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज का कोरोना चल रहा है, अगर हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है तो वो अपने आप से हो जाता है. ओके, नाउ सेवन, सेफ साइज स्ट्रक्चर एंड बॉडी वेट. ठीक है, थ्रू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम वी अटेन गुड सेफ साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी वेट इज आल्सो कंट्रोल्ड फॉर पॉजिटिव हेल्थ. वी कैन क्योर पोस्चर डिफॉर्मिट थ्रू इट. ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ठीक है, मेंटेन गुड सेफ एंड साइज और बॉडी स्ट्रक्चर, दस फिजिकल पर्सनैलिटी बिकम अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग पर्सनैलिटी. ठीक है, अगर हमारा फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अच्छा है तो हमारा जो शेप साइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा. इसके बाद हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बिकम अट्रैक्टिव हो जाएगी. ठीक है, और हमारी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो जाएगी. ठीक है, तो व्हेन वी डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज सम चेंज शेप साइज स्ट्रक्चर एंड बॉडी वेट. ठीक है, फिजिकल फिटनेस हेल्प इंडिविजुअल टू गेटिंग द डियर एंटायर बॉडी इन गुड शेप एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग और मसल इंक्रीज, कीप द बॉडी पोस्चर इन करेक्ट पोजिशन. ठीक है, अगर हमारे फिजिकल फिटनेस है तो हमारा शेप जो साइज होगा और मसल्स में इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बॉडी का पोस्चर है बिल्कुल सही रहेगा. ठीक है, और क्या रहेगा, मतलब और करेक्ट पोस्चर रहेगा, हमारा जो पोस्चर है वो क्या रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा. बॉडी की जो हमारी पूरी बॉडी का शेप साइज होगा एक साथ रहेगा और बॉडी का पोस्चर हमारा बिल्कुल सही रहेगा. ठीक है, अगर कोई एंड पोस्चर डिफॉर्मिटी टू डो नॉट ओकर, इफ देयर इज एनी फिजिकली डिफॉर्मिटी इट इज रिमूव बाय डेली रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल सही रहेगा. जैसे हम लोग उठते समय, बैठते समय, पढ़ते समय, खेलते समय, कोई जो भी हमारा बॉडी का पोस्चर होता है बिल्कुल सही रहता है. अगर कोई भी पोस्चर से रिलेटेड कोई भी हमारी डिफॉर्मिटी होती है तो अगर हम डेली फिजिकल एक्टिविटी और करें तो उससे क्या हो जाएगा, ये भी इसमें भी सुधार इंप्रूव होता है. ओके, नाउ एट, आइडियाज ऑफ बैलेंस डाइट. वी लर्न मोर अबाउट बैलेंस डाइट एंड हाउ हैव बैलेंस्ड डाइट एंड वट टाइप फूड वी शुड ईट एंड वट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द वन एफिलिएटेड. ओके, तो जो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस हेल्प अस टू नो अबाउट अवर डाइट एंड हाउ टू हैव बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, जो फिजिकल पर्सन व्यक्ति होता है उसे पता होता है कि मुझे क्या, मतलब क्या फूड लेना है, क्या आहार लेना है. ठीक है, तो बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाटर इन करेक्ट अमाउंट. ठीक है, मतलब भोजन के सभी समूह में भोजन को उचित मात्रा में लेना, यानी कि जिसमें क्या है, जिसमें मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ठीक है, फैट, क्या हो, एक करेक्ट अमाउंट में हो, इस प्रकार का मतलब हमें भोजन लेना चाहिए, मतलब एज बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. ठीक है, और अगर हमें भूख लगी तो उस टाइम कैसा खाना चाहिए हमें. ठीक है, तो अगर हम फिजिकली फिटनेस और वेलनेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान देंगे. ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कब क्या खाना है और क्या न्यूट्रिशन लेना है. ठीक है, जो फिजिकली फिट और पर्सन होता है उसको सब पता होता है कि मुझे कौन सी डाइट लेनी है.
ओके और कैसा खाना है, ओके हेल्थी 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 फूड्स लेना है जो भी है वो सब पता रहता है उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आउटलेट टू इमोशन, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम गिव अस गुड चांस ऑफ एक्सपीरियंस आवर फीलिंग एंड इमोशन बाय टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर लिंकिंग। ओके तो इसमें क्या है, इमोशन मतलब भावनाओं का इमोशन का आउटलेट, ठीक है। आउटलेट मतलब फिजिकल, जो अगर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो प्रोग्राम हमें क्या करते हैं अपनी पसंद के जो विभिन्न डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं उसमें खेलने में, उसमें पार्टिसिपेट करने और अपनी में पार्टिसिपेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और अपनी भावनाओं को मतलब अपनी इमोशन को व्यक्त करने का एक अच्छा मौका देता है, मतलब ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंट टाइप में गेम खेले अपनी चूज अपने मतलब अपने जिसमें हमें बेनिफिट मतलब जिसमें हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देता है और हमारे जो इमोशंस होते हैं उसमें व्यक्त करने का एक अच्छा मौका देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अवॉइडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो वी लर्न हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड मैनेज देयर प्रैक्टिस थ्रू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस प्रोग्राम क्या होता है, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आल्सो एडवांटेज फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो प्रोग्राम होते हैं क्या करते हैं वो, ठीक है, वो हमें स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो एंड कहते हैं इज एबल डायरेक्ट अवर इमोशन इज गुड वे, ठीक है। मतलब वो हमें जो भी होते हैं तनाव कम करने में मदद करते हैं, इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी हेल्प अस टू कंट्रोल एंड मैनेज स्ट्रेस, इट आल्सो डायरेक्ट वन इमोशन इज गुड वे। जो फिजिकल पर्सन होता है वो क्या करेगा, मतलब उसे अगर उसे कोई स्ट्रेस आ जाता है तो उसे मतलब उसे सहन करने में, तो स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता आ जाती है उसको, ठीक है। मतलब कोई भी अगर फिजिकल कोई भी स्ट्रेस आ जाए तो उसको अच्छी तरह से उसका फेस सामना कर सकता है, ठीक है। अगर और स्ट्रेस अगर हमें आ गया तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए एंड स्टे विथ योर फ्रेंड्स फैमिली, स्टे विथ नेचर, ठीक है। और क्या करना चाहिए, और योगा मेडिटेशन करना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर अगर जो फिजिकली फिटनेस और वेलनेस जिसकी बढ़िया है वो कोई भी स्ट्रेस आ जाए तो उसका अच्छी तरह से उसका फेस का सामना कर सकता है, ठीक है। अगर वो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस है उसकी बढ़िया बेटर है तो, क्योंकि आज की टूडे लाइफ इज वेरी स्ट्रेस, आज जिंदगी में काफी स्ट्रेस है, ठीक है। तो जो फिजिकल फिट होगा तो वो स्ट्रेस का अच्छी तरह सामना कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटी मतलब सुधार, अवर स्ट्रेंथ स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी इंटरेस्ट एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम इज ऑल एबिलिटीज आर इम्प्रूव द ग्रेट एक्सटेंट। ओके तो जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस क्या है, मतलब फिजिकल फिटनेस और वेलनेस प्रत्येक जो बॉडी के पार्ट्स है प्रत्येक अंग को मतलब अलग अलग मात्रा में विकास करती है सबका, ठीक है। अगर हमारी क्या स्ट्रेंथ शक्ति अच्छी होगी तो हम क्या हो जाएंगे, हम किसी भी वर्क को प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी उससे क्या हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ क्या हमारी मांसपेशी से होती है, शक्ति उससे बनती है मसल से, ठीक है, होती है, जिससे हम कोई भी मतलब मसल्स वाली एक्टिविटी कोई भी हम अच्छी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग है या कोई भी जिसमें हमारा पूरा भार उठाना है, कोई भी वेट करते तो अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हुई, स्ट्रेंथ वही होती है, ठीक है। स्पीड क्या हुई, स्पीड मीन्स वही मूवमेंट जो कि हम बहुत तेज गति से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे फास्ट रेस हो गया, ठीक है, या 100 मीटर 200 मीटर रेस हो गई तो बहुत तेज करते हैं उसको, तो इसके लिए क्या किसकी नीड पड़ती है, इसके लिए पड़ती है की फास्ट रेस हो गया। और एंड्योरेंस क्या हुआ, सहन क्षमता मतलब विदाउट फटीक लॉन्ग ड्यूरेशन रेस मतलब विदाउट कोई भी बिना थकान के हम कितनी क्षमता है हमारे पास, कैपेसिटी कितनी है कि हम विदाउट फटीक के हम कितने मतलब कितना हम कुछ कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होती है, मैराथन रेस होती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वही लचक हो गई, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम कोई भी गेम इजीली और कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, तालमेल संबंधी, ठीक है। तो डिपेंड टू कंट्रोल हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम अगर सही है बैलेंस है तो हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करते से इससे मतलब बॉडी लॉट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, और लॉट ऑफ कैपेसिटी लॉट ऑफ
इंक्रीज बॉडी शेप, मतलब बॉडी स्ट्रेंथ, ये सबको स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, ये सब बढ़ता है। अगर हमारे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अच्छा है तो हम ये कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अर्ली एजिंग, ठीक है, प्रॉपर अर्ली एजिंग एंड इंक्रोज टू वर्ड ओपीएम वेलनेस एंड थिंग्स पॉजिटिव अबाउट लाइफ स्टाइल। लाइफ मतलब अगर हमारी क्या फिजिकल फिटनेस और वेलनेस है तो हमें क्या बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज रिलेटेड टू एजिंग। ठीक है, अगर आयु में क्या करता है, अगर हमें फिजिकल फिटनेस और हमारी वेलनेस अच्छी है तो जो आयु के बढ़ने के साथ साथ हमारी बीमारियां भी होती है। ठीक है, बीमारियां भी आती है, तो अगर हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस अच्छी है तो ये हमें बीमारियां नहीं आएगी। ठीक है, और जीवन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।